नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी की प्रमुख गद्य विधा कहानी का। इससे पूर्व हम नाटक, निबंध और उपन्यास तीनों गद्य विधाओं को देख चुके हैं। नेट परीक्षा की इकाई 2 के अंतर्गत यह सम्मिलित है, तो यहाँ इस कक्षा में हम विस्तार पूर्वक अपनी गद्य विधाओं के विषय में चर्चा करते हैं। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग गद्य विधा लगती है कहानी। बहुत लोगों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। बचपन से ही हम अपनी दादी, नानी और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा कहानियाँ सुनते आए। वो कहानियाँ अलग तरह की थी और हिंदी साहित्य में जिन कहानियों का हम अध्ययन करेंगे वो थोड़ी अलग प्रकार की हैं, लेकिन वहीं से हमारा शौक विकसित होता जाता है कहानी और कथाओं के प्रति। हम चाहे साइंस स्ट्रीम लें, कॉमर्स या हिंदी, किसी भी आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है। अब इन कहानियों का विकास कैसे हुआ, प्रारंभ में ये कैसे लिखी जा रही थी, उसके बाद इनमें क्या परिवर्तन और क्या नई विशेषताएं इसमें सम्मिलित हुई, किस युग में सर्वाधिक कहानियां लिखी गईं और कहाँ कौन व्यक्ति सर्वाधिक कहानी लिखने वाला था या सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन था, यदि इन सब प्रश्नों के उत्तर हम आज की कक्षा में खोजने का प्रयास करेंगे। साथ ही उपन्यास और कहानी दोनों में अंतर होता है। उपन्यास संपूर्ण जीवन वृत्त को किसी व्यक्ति के प्रस्तुत करता है, जबकि कहानी किसी विशेष खंड या विशेष घटना को लेके रची जाती है। इसलिए कहानी रोचक होने के साथ साथ संक्षिप्त होती है, जल्दी समाप्त हो जाती है और उसमें कल्पनाशीलता का प्रयोग यथासंभव किया जा सकता है। उपन्यास एक लंबी होती है, जिस लंबी विधा होती है, लंबी रचना होती है, इसके कारण समय अधिक लगता है। इसीलिए अधिकतर लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं बजाय उपन्यास के। खैर, उपन्यास का एक अपना आनंद है और कहानी का अपना आनंद। गोदान उपन्यास जो हमने शुरू कर रखा है, दूसरी क्लास जिसकी होती है, शुरू में सामान्य उपन्यास जैसा ही लग रहा था कि अरे इसमें क्या है, किसान जीवन के। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने अंत की ओर अग्रसर हो रहा है, उसके वीडियोस हम डेली देख रहे हैं, अपने आप में काफ़ी कुछ भाव लिए हुए, काफ़ी कुछ अर्थ महत्व प्रतिपादित करता हुआ सा हमें दिखाई दे रहा है। उसके प्रत्येक भाव गोदान में इतने सारे पात्र हैं, इतनी सारी स्थितियों का वर्णन है कि कोई ना कोई स्थिति, कोई ना कोई पात्र हमारे निकट, बिल्कुल हमसे करीब से जुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि इसको तो हमने अपने गाँव में देखा है, अरे इस व्यवस्था को या इस स्थिति को तो हमने अपने परिवार में देखा है। फिर कभी लगता है कि अरे ये तो पड़ोस की ही घटना है। तो इस प्रकार हम जुड़ जाते हैं उपन्यास से, लेकिन कहानी बहुत छोटी सी एक घटना को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हुए हमारे समक्ष स्पष्ट कर देती है। हिंदी साहित्य में विभिन्न प्रकार की कहानी लेखन हुए और प्रसिद्ध लेखक भी हुए, उन सब के विषय में जानते हैं आज की हमारी इस कक्षा में। आप लोगों को मैं शुरू में ही कह देना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट अवश्य करिए। आयुष जी, आपने कमेंट किया है, अभी मैंने फ़ोन अपना देखा, उसमें कमेंट था कलम के सिपाही या जादू, तो मुझे आपका कमेंट कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो थोड़ा स्पष्ट करके, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, अपना कमेंट लिखिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो उसको स्पष्ट लिखिए। और यदि आप कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं तो उसको स्पष्ट लिखिए, शॉर्ट में मेरे समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी आप निरंतर कमेंट करते रहिए। आप सब लोग गोदान वाला वीडियो भी देख रहे हैं और यह वाला वीडियो भी देख रहे हैं, लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं। चलिए, कमेंट करना भूल जाते हैं चलता है, लेकिन आप लोग लाइक करना कैसे भूल जाते हैं ये मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि जहाँ तक मैं इस पुस्तक की बात करूँ तो ये तो आपके लिए ही है, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यह TGT, PGT, NVS, KVS, राजस्थान, UP जितने भी स्टेट लेवल के आपके एग्ज़ाम्स हैं जो शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, उन सभी में यह आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हमने पूरा, हमारे इतिहास समाप्ति की ओर है और अब ध्यानपूर्वक ये देखना है आपको पुराने प्रश्न पत्रों में ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो इसमें नहीं आए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अपनी जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उसमें से ही कहीं ना कहीं पेपर सेट होता है। तो अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हों, क्रमबद्ध रूप से देखिए, और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे आप कमेंट अवश्य करिए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ और मैं सिर्फ कह सकती हूँ, मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर है।
ठीक है, अब नहीं मानेंगे तो थोड़ा धक्का लगने के बाद मानेंगे, मान जरूर जाएंगे। जब तक आप अपनी परेशानी, जब तक आपके भाव मुझ तक नहीं पहुंचेंगे, मैं आपकी मदद किसी भी प्रकार से नहीं कर पाऊंगी। मेरा काम वीडियो बनाना है, तो आप देखते हैं कि मैं डेली वीडियो डाल देती हूँ, लेकिन आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कोई भी लौट कर मुझ तक नहीं पहुँच पा रही है। खैर, आगे बढ़ाते हैं आज की कक्षा को। अध्याय पंचम, हिंदी कहानी। स्वतंत्र रूप में विकसित गद्य की एक विधा के रूप में आज हम जिस हिंदी कहानी को पहचानते हैं, उसे इस रूप में ढालने में भारत के प्राचीन कथा साहित्य, पाश्चात्य कथा साहित्य एवं लोक कथा साहित्य का सम्मिलित योगदान है। प्राचीन कथा साहित्य जो पौराणिक जो पात्रों की हम कहानियाँ सुनते हैं, जैसे कि वर्तमान में रामायण और महाभारत का पुनः प्रसारण हो रहा है, लेकिन इनमें से अधिकतर कहानियाँ बचपन में मैं अपनी मम्मी के द्वारा या एक भैया थे सोनलाल भैया जिनका नाम था, उनके द्वारा भी बहुत से कथा प्रसंग इसमें से पूर्व में बड़े रोचक तरीके से उन लोगों ने हमें सुनाए थे, तो स्मृति में अंकित हैं। चाहे वो कृष्ण का काली धैर्य में कूदने वाला जो प्रसंग है उसको लेकर लिखी हुई, अपने मन से काल्पनिक अपने शब्दों में ढालकर कही हुई कहानी थी, वो सारी चीज़ें। पाश्चात्य कथा साहित्य जैसे किस प्रकार कहानी लिखी जानी चाहिए, कहानी के क्या क्या मुख्य तथ्य होते हैं, किन तथ्यों को ध्यान में रखकर एक अच्छी कहानी लिखी जा सकती है, इन सारे पाश्चात्य जगत में किस प्रकार की कहानी लिखी गई, इन सबसे प्रभावित है वर्तमान की कहानी। लोक कथा साहित्य, लोक में प्रचलित जो मिथ और लोकोक्तियां हैं उनके द्वारा जो कहानियों का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं लोक कथा साहित्य का सम्मिलित योगदान है। यानी इन सारी चीज़ों को मिला के वर्तमान कहानी अपने वर्तमान कलेवर या वर्तमान रूप में पहुँची है। हिंदी कहानी का विकास भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही माना जाता है। देखिए, भारतेंदु युग में हर विधा का निर्माण हुआ है, अपने पूर्व रूप में वह विधा भारतेंदु युग में शुरू हुई, लेकिन अलग अलग काल में उसका विकास अलग अलग प्रकार से हुआ है। प्राचीन कहानी में आकस्मिकता, संयोग और अति मानवीय प्रसंग प्रमुख होते थे। वही हीरो वाली चीज़ के हीरो आएगा और सारे उनको अति मानवीय है ना, बोलते ना लार्जर देन लाइफ। जबकि आज की कहानी में बाह्य घटना की अपेक्षा अंतरंग की अनुभूतियाँ अधिक महत्व रखती हैं। आज की कहानी यानी आधुनिक कहानियाँ, आधुनिक कहानियों के अंतर्गत हम परिंदे कहानी को अपने चैनल पे, आपने नहीं देखा हो तो चैनल पे उपलब्ध है, ये आधुनिक भावबोध की कहानियाँ। इनमें कल्पना की कोई स्थान नहीं है कि एक व्यक्ति आके सारे गुंडों को मार देगा या एक व्यक्ति पूरे, वो चीज़ नहीं है, बल्कि यथार्थ घटनाओं का वर्णन है, मन के भावों का वर्णन इसमें अधिक है। यानी मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्तमान में कहानियाँ अधिक लिखी जा रही हैं। राजा रानी जैसे पात्रों के स्थान पर सामान्य मानव को केंद्र में रखकर जिस हिंदी कहानी ने पंख फैलाए वह श्रव्य की अपेक्षा पाठ्य अधिक है। यानी पहले कहानी सिर्फ एक सुनने का, दादा नानी से माओ ने सुनी, माओ से बच्चों ने सुनी, उन्होंने अपने इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी कहानियाँ, तो उनके रूप बदलते रहते थे और रोचकता, जो जितनी अच्छी कल्पना कर सकता था वह व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को उसी कल्पना के साथ उसे प्रस्तुत कर देता था। इस प्रकार रूप परिवर्तित हो जाते थे, लेकिन अब जो कहानियाँ हैं वो मानवीय भावों को जगाने वाली होती है, जागृत हो जाते हैं, हम उनसे जुड़ जाते हैं और उसमें कुछ भी फैंटेसी टाइप ना होकर यथार्थ वर्णन होता है, पाठ्य अधिक हैं। मनु भंडारी की कहानी यही सच है, मैंने अभी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और बादलों के घेरे भी मैंने पढ़ी, आधुनिक कहानियाँ बुक है मेरे पास, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे बड़ा पहली के जो नेट के पेपर हैं उसमें पूछा गया कि तपेदिक की मरीज मन्नो का चित्रण किस कहानी में, बादलों के घेरे में, यही सच है से भी प्रश्न पूछा, लेकिन वर्तमान एनटीए द्वारा निर्धारित सिलेबस में वो नहीं है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। और बाकी आप लोग इस तरह की कहानियाँ पढ़ना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो अलग से भी पढ़ के सुना दूंगी, या मेरे साथ साथ आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए, फ़ोन का एक सबसे अच्छा उपयोग जो मुझे लगता है ना, मेरे लिए वो सबसे अच्छा उपयोग है कि मैं जो भी कुछ सुनना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, तो उसे मैं काम करते करते, यानी जैसे मैं अपनी किचन में काम कर रही हूँ तो फिर मैं सुन लेती हूँ, है ना। और इसी प्रकार देखिए, घर इतना, महिलाओं को इतना समय नहीं मिलता कि स्पेशली हम फ़ोन लेके बैठे हैं फिर उसको किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुने पढ़ें, ऐसा नहीं होता।
तो मैंने अपना एग्जाम ऐसे ही पास किए हैं, बस किचन में फोन चल रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ और सुनती जा रही हूँ उसको, नहीं जब तक प्रिपरेशन कर रही हूँ खाने की, घर पे और लोग नहीं आए खाने के लिए, तब अपना फोन चलाया किचन में और बस सुनते जा रही हूँ सुनते जा रही हूँ। तो उससे भी चीज़ें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। ऐसी बहानेबाजी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास समय का अभाव है, और अगर ये बहाना भी था तो लॉकडाउन की स्थिति में तो आपके पास ये बहाना भी नहीं है कि हम जॉब करते हैं या कुछ। हाँ, महिलाओं के लिए ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि महिलाओं के लिए कभी भी लॉकडाउन नहीं होता है, कोई छुट्टी नहीं होती है, बल्कि काम और ज़्यादा बढ़ गया है ना। सभी लोग सुबह सुबह अपने काम पे चले जाते थे तो भी कुछ समय मिलता था, लेकिन वर्तमान में सब लोग घर पे हैं, जो लोग दूर रह रहे थे वो भी लौट के घर पे आ गए, तो महिलाओं के लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है ना। इसीलिए मैं पुनः आपसे एक बार कहूँगी, समस्त महिलाओं को समर्पित मेरी दो लाइनें, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नवतल में, तुम पीयूष रोशनी बहा करो जीवन के सुंदर समरस में। आइए बढ़ते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। हिंदी की पहली कहानी के रूप में इतिहासकारों ने जिस कहानी को मान्यता दी है वह है सरस्वती में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है और इसके रचयिता हैं किशोरीलाल गोस्वामी, और यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, याद कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से 1909 के मध्य प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती एवं गुलबहार, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, गिरिजादत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी, श्रीमती राजेंद्र वाला घोष जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है की दुलाई वाली, इन 6 कहानियों को हिंदी की प्रारंभिक कहानी माना है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष के समय को हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार किया है। तो ये सारी कहानियाँ राइटर्स के साथ आपको याद रखनी है। बाकी देखिए, हिंदी की पहली कहानी वर्तमान में ये जो 11 इंदुमती को भी माना जाता है, और यदि वो लेखक देके पूछेगा कि किसने किसको हिंदी की प्रथम कहानी माना है, ठीक है। और बाकी बंग महिला, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष का पूरा नाम बंग महिला है और इन्होंने कहानी लिखी थी दुलाई वाली। कहानी लेखन की ओर जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण सिंह आदि के रुझान ने इसे विस्तार दिया। चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी ने हिंदी कहानी को एक नए रूप में ढाला। प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियों में से आग, चंदा गुलाम, चित्तौड़ का उद्धार आदि इंदु पत्रिका के प्रारंभिक वर्षों में प्रकाशित हुई। इंदु में बंगला कहानियों के अनुवाद भी प्रकाशित हुए, जिनसे हिंदी कथाकारों एवं पाठकों को नए रूप रंग की कहानियों से परिचय हुआ। तो अनुवाद भी साथ साथ चलते रहते थे अन्य भाषाओं से। और उसने कहा था कहानी हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है, चैनल पे उपलब्ध है, आपने नहीं पढ़ी हो अब तक, बहुत सी कहानियाँ प्लेलिस्ट, हिंदी कहानियों से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आपके लिए जितनी भी कहानियाँ आपके नेट परीक्षा में हैं उसमें से काफ़ी सारी मैंने उसमें ऐड कर रखी हैं, और जो रह गई हैं उन्हें भी हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ही हमारा ये ख़त्म होता है ये वाली पुस्तक, उसके बाद हम वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी तैयारी के लिए बार बार आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए और उसमें से स्वयं ही देख देख के पढ़ते रहिए, और जो उसमें उपलब्ध नहीं है आप पढ़ना चाहते हो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। सन 1918 में काशी से हिंदी गल्पमाला का प्रकाशन हुआ। GP श्रीवास्तव की मैं ना बोलूँगी तथा इलाचंद्र जोशी की सजनवा नामक कहानी इसमें प्रकाशित हुई, याद कर लीजिए। प्रेमचंद युग, अब कहानियों की बात हो और प्रेमचंद को याद ना किया जाए ऐसा कैसे हो सकता है ना। और प्रेमचंद पूर्व का युग हमने पढ़ लिया, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद का बाद, यानी कहानियों को टोटल प्रेमचंद के नाम से ही, उनका इतना योगदान कहानी जगत में रहा है कि उसका अध्ययन ही हम प्रेमचंद के नाम से करेंगे। किस प्रकार, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और उसके बाद प्रेमचंद के पश्चात का युग। आइए देखते हैं हिंदी कहानी का नवोन्मेष। प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। इस प्रकार प्रसाद, चंद्र शर्मा गुलेरी, GP श्रीवास्तव तथा इलाचंद्र जोशी जैसे महत्वपूर्ण कहानीकारों की उपस्थिति ने जिस हिंदी कहानी को अब तक समृद्ध किया उसमें नवोन्मेष का दौर प्रारंभ हुआ। आगे चलकर सन 1925 तक हिंदी कहानी की दो धाराएं स्पष्ट नजर आने लगी। आधुनिक प्रवृत्ति की कहानी यथार्थवादी जीवन के व्यवहारिक पक्ष को लेकर विकसित हुई। कहानी में यथार्थ को महत्व देने वाले कहानीकारों में प्रेमचंद, सुदर्शन, विशंबरनाथ कौशिक, ज्वालादत्त शर्मा तथा चंद्र शर्मा गुलेरी प्रमुख हैं। ठीक है,
इसी तरह आदर्श प्रधान प्रवृत्ति की कहानी जीवन के भाव सत्य को लेकर आगे बड़ी धारा है। जयशंकर प्रसाद, चंडी प्रसाद हृदय तथा राजा राधिका रमन सिंह इस धारा के प्रमुख कहानीकार हैं। देखिए दो धाराएं, एक भावधारा और एक यथार्थ धारा, प्रसाद की कहानियों में एक तरीके से हमें मन के भावों को गहराई से व्यक्त करती हुई कहानियां हैं, जिसमें थोड़ी सी आदर्शवाद की झलक, थोड़ी सी पौराणिकता, थोड़ी सी ऐतिहासिकता मिलती है। कथा सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित प्रेमचंद ने मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित कहानी को उत्तम कहानी माना। उनकी सुजान भक्त, मुक्ति मार्ग, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और महातीर्थ सभी कहानियां मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हैं। 1907 ईस्वी से 1936 ईस्वी के मध्य प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां हिंदी को दी है। ठीक है, 1907 से इन्होंने लेखन प्रारंभ किया हिंदी का, और कब तक लिखा, 1936 यानी अपनी मृत्यु तक ये लिखते ही रहे, और 1936 में ही गोदान लिखा है। ठीक है, 300 से अधिक कहानियाँ इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेमचंद की सभी कहानियाँ मानसरोवर नाम से इनका कहानी संग्रह है उसमें संकलित हैं और मेरे पास भी उपलब्ध है। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा क्या चीज़ पढ़नी है, तो काफ़ी सारे मटेरियल है मेरे पास, उस हिसाब से हम आगे की योजना बनाएंगे। प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानी। अब प्रेमचंद के बाद किस तरह की कहानी लिखी गई इनको देख लेते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में अंतिम चरण में हिंदी कहानी की नई दिशाएं स्पष्ट होने लगी। सुधारवादी युग के बाद संघर्ष और संक्रांति युग सामने आया। कहानियों में मध्यम वर्ग की समस्या उठाई जाने लगी। सुधारवादी युग, भारतेंदु के बाद आया द्विवेदी युग। ठीक है, कहानी कला का रुझान यथार्थ और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रभावित हुआ। प्रेमचंद नशा, बड़े भाई साहब और कफन कहानियों में अपने पूर्व आदर्शों को लांग कर आगे बढ़े हैं। जैनेन्द्र एक समर्थ कहानीकार रूप में हिंदी साहित्य को समृद्ध करते हैं। जैनेन्द्र मनह स्थिति में ही परिस्थिति को संश्लिष्ट मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैनेन्द्र कैसे कथाकार हैं, मनोविश्लेषणवादी। जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, सुदर्शन और उसके बाद अज्ञ की कहानियों में भी हमें ये मनोविश्लेषणवाद देखने को मिलता है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार जैनेन्द्र की कहानियों में चरित्र वैशिष्ट्य। देखिए रामचंद्र तिवारी, जो भी लोग आपने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें करके चैनल पर उपलब्ध पुस्तक वीडियो है उसको देखा होगा, नेट परीक्षा की तैयारी प्लेलिस्ट में, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप गद्य की तैयारी, गद्य विधाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक पढ़ लीजिए। तो ये पुस्तक मुझे इसलिए इतनी पसंद है क्योंकि इसको जो राइटर हैं उन्होंने शुक्ल, नगेंद्र और रामचंद्र तिवारी तीनों की जो मुख्य चीज़ें हैं उनको इस पुस्तक में सरल रूप में संकलित किया है। जगह जगह पर उनके नाम दिए हैं कि शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में ये कहा है, नगेंद्र अपने इतिहास में ग्रंथ में ये कहा है, और तिवारी जी ने इतिहास ग्रंथ में क्या कहा है ये भी देख लीजिए। रामचंद्र तिवारी के अनुसार जैनेन्द्र की कहानियों में चरित्र वैशिष्ट्य, मानसिक द्वंद, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर सूक्ष्म एवं गहन स्तरों का स्पर्श, अवसाद और करुणा के अंतःस्थल को स्पर्श करने वाली स्निग्ध धारा, राष्ट्रीयता और क्रांति भावना, मानवेतर प्राणियों के प्रति सहानुभूति, नैतिक प्रश्नों के प्रति गंभीर शंकाएं, दार्शनिक उवाफो, प्रतीक योजना, संकेत और रहस्य सभी कुछ मिल जाता है। जैनेन्द्र कुमार के खेल, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, वातायन, एक रात, दो चिड़ियां, पाजेब, जयसंधि प्रसिद्ध कथा संग्रह हैं। इन कहानियों में व्यक्ति को महत्व मिला है। इस दृष्टि से हिंदी कहानी में जैनेन्द्र का महत्व अक्षुण है। यानी प्रेमचंद के बाद जो प्रमुख कहानीकार हैं वो कौन है, जैनेन्द्र। याद कर लीजिएगा, इनकी कहानियाँ बार बार पूछी जाती हैं। मार्क्सवादी दृष्टि से कहानी को पहचान देने की चेष्टा यशपाल ने की है। ईलाचंद्र जोशी ने मनोविश्लेषणात्मक कहानियां लिखी। जैनेन्द्र कुमार की परंपरा का विकास अज्ञेय में दिखाई देता है। अज्ञेय का आग्रह है कि बदलते संदर्भों में हमें नए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य स्वीकारने होंगे। इनकी कहानियों में कलात्मक संयम देखते ही बनता है। अज्ञेय जी की विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अलम्बल, अमर वल्लवी, ये तेरे प्रतिरूप आदि प्रसिद्ध कहानी संग्रह, विशेषता इनका विपतगा और शरणार्थी पूछा जाता है बार बार। हिंदी के विकास में नए का श्री गणेश करने वाले रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित अज्ञेय की हीली बॉन की बतकें और मेजर चौधरी की वापसी कहानियां विशेष ध्यान आकृष्ट करती हैं। मेजर चौधरी की वापसी कहानियां, अच्छा ये मेजर चौधरी की वापसी, देखिए एक कहानी है वापसी उषा प्रियंवदा की, जो कि लास्ट के पेपर में पूछी गई थी, जबकि वापसी कहानी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एनटीए ने आउट ऑफ सिलेबस जाकर आपसे पूछा। जो कहानियाँ उसने स्पष्ट सिलेबस में लिख रखी हैं पढ़ने के लिए, उनमें से एक प्रश्न ना पूछकर जो कहानी सिलेबस में ही नहीं है उसको पूछ लिया, लेकिन वो एमए के पाठ्यक्रम में, इसलिए अधिकतर बच्चों ने सही कर दिया, बाकी आप उस प्रश्न को चैलेंज कर सकते थे। उपेंद्रनाथ अश्क भी हिंदी कहानी
को छींटे 70 श्रेष्ठ कहानियाँ पलंग आकाशचारी आदि संग्रहों से समृद्ध करते हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, निर्गुण ने अपनी पहचान बनाई। उसी युग में महिला कहानीकारों में उषा देवी, होमवती देवी, सत्यवती मलिक और कमला चौधरी उल्लेखनीय। देखिए महिला कथाकारों का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। हिंदी कहानी को हंस एवं कहानी नामक पत्रिकाओं ने भी नई ऊंचाइयां प्रदान की। सन 1954 में कहानी पत्रिका का पुनः प्रकाशन हुआ और कहानी को नई कहानी के रूप में जाने जाने लगा। मोहन राकेश, राजेंद्र बाला, कमलेश्वर, मार्कंडे, फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी तीसरी कसम चैनल पे अवेलेबल है, पूरी पढ़िए। देखिए तीसरी कसम का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो सब लोग देखते हैं लेकिन सेकंड पार्ट तक कोई नहीं पहुंच पाता और प्रश्न सेकंड पार्ट में से पूछ लिया गया था। इसीलिए आप जो भी उपन्यास, जो अब आपके पास समय की शिकायत नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि हमें समय नहीं मिला था इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। आपके पास समय ही समय है, परीक्षा भी आपकी आगे जा चुकी है, तो प्लीज़ विस्तार से जो चैनल पर उपलब्ध है उसे तो कम से कम आप पढ़ ही लीजिए। बाकी आपकी, देखिए मेरा काम सिर्फ समझाने का, इसलिए बार बार आपको समझाती हूँ, मानना न मानना आपका काम है। देखते हैं नई कहानीकार कौन कौन है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडे, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, रघुवीर शाह, रमेश बख्शी, भैरव प्रसाद गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, अमरकांत, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण, ठाकुर प्रसाद सिंह, चंद्रकिरण सोनेरिक्सा, भीष्म सहानी, उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी, शरद जोशी, कृष्णवल देव बैद, सर्वेश्वर द्वाल सक्सेना, निर्मल वर्मा की परिंदे, शरद देवड़ा, ज्ञान रंजन की पिता, श्रीकांत वर्मा, राजकुमार आदि उल्लेखनीय नाम है जिन्होंने नई कहानी को समृद्ध किया और हमारे सिलेबस में नई कहानियाँ ही दी हुई हैं। सन 1960 में श्री भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन किया। 1965 में देवी शंकर अवस्थी ने नई कहानी संदर्भ प्रकृति शीर्षक पुस्तक प्रकाश में आई। नई कहानी ने जटिल जीवन के यथार्थ की व्यापक स्वीकृति को कहानी का आधार माना। इस दौर में हिंदी कहानी में नगर के कहानीकार के रूप में मोहन राकेश और निर्मल वर्मा, कस्बे के कहानीकार के रूप में कमलेश्वर और अंचल विशेष के कथाकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु तथा गाँव के कथाकार के रूप में शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पहचान बनाई। ठीक है, समझ गए आप? यानी इन्होंने जिस क्षेत्र के से विषय वस्तु ग्रहण की, इन्हें उसी क्षेत्र का कथाकार माना जाता है। शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार की भूमिका में लिखते हैं, मनुष्य और उसकी जिंदगी के प्रति मुझे मोह है जो अपने अस्तित्व को उबारने के लिए विविध प्रकार के क्षेत्रों में विरोधी शक्तियों से जूझ रहा है। अंधविश्वास, उपेक्षा, विवस्था, प्रताड़ना, अतृप्ति, शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार और शुद्र स्वार्थंधता के नीचे पिसता हुआ भी जो अपने सामाजिक और व्यक्तिगत हक के लिए लड़ता है, हंसता है, रोता है, बार बार गिरकर भी जो अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ता, वह मनुष्य तमाम शारीरिक कमजोरी और मानसिक दुर्बलताओं के बावजूद महान है। इसी महान कमजोर गांव के आदमी को केंद्र में रखकर शिव प्रसाद सिंह ने कहानियां लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। कर्मनाशा की हार भी हम अवश्य पढ़ेंगे। इस दौर में मनु भंडारी ने नारी जीवन की आकांक्षा को यथार्थ के धरातल पर यही सच्चे के माध्यम से दिखाया। नई कहानी में छिछली भावुकता का हास हुआ है। मध्यम वर्गीय जीवन की चेतना प्रधान कहानी ने हिंदी कहानी को आम आदमी से जोड़ा। मूल्यों के विघटन के बीच आज की नई पीढ़ी जिस घुटन और संतरास को झेल रही है उसे नई कहानी ने अभिव्यक्ति दी है। इस दृष्टि से मोहन राकेश की मिसपाल और मलबे का मालिक, राजेंद्र यादव की अभिमन्यु की आत्महत्या, निर्मल वर्मा की परिंदे और लंदन की एक रात, उषा प्रियंवदा की वापसी, कमलेश्वर की जोखिम, ज्ञान रंजन की फैंस के दर उदर और धर्मवीर भारती की बंद गली का आखिरी मकान, कृष्णा सोबती की यारों के यार कहानियाँ उल्लेखनीय है। और देखिए इसी पैराग्राफ में से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बार बार यही कहानियाँ पूछी जाती हैं। टीजीटी दीजिए, पीजीटी दीजिए, जाएंगे कहाँ कहाँ से परीक्षक लाएगा? जब आप लोग ये कहते हैं कि टीजीटी की तैयारी करवाइए पीजीटी की, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि भाई ये सिर्फ नेट के लिए नहीं है, ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, हिंदी साहित्य के इतिहास से अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आप यूपीएससी भी दे रहे हो, तो भी आपको ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए पहले सरल रूप में, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो शुक्ल, नगेंद्र, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। सारी किताबें सारी अच्छी होती हैं, बस देखना ये है कि हम उससे कितना ग्रहण कर पाते हैं और उसे परीक्षा तक किस रूप में याद रख पाते हैं और कितना उसे जीवन में ढाल पाते हैं। बाकी हर बुक अपने आप में कुछ ना कुछ सिखा के जाती है।
गोदान को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ने से प्यार हो जाता है गोदान से, है ना। और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपका बंटी जब मुझे पढ़ा मैंने, तो कभी जब एमए में पढ़ा होगा तब शायद वो भाव नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ और उसके बाद मैंने आपका बंटी को पढ़ा, यकीन मानिए बच्चों के प्रति नज़रिया ही बदल गया मेरा। हालांकि उस तरीके की स्थिति हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा बच्चा परिस्थितियों को किस प्रकार देखता है, कैसे समझता है, ये उस उपन्यास ने सिखा दिया। और गोदान तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ बदल के जाएगा, अभी तो समाप्ति की ओर है, एक दो अंक अभी बचे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ सीखा गोदान से भी। आइए बढ़ते हैं आगे। नई कहानियों में सांकेतिकता को आधार बनाकर जो कहानियां लिखी गई उनमें अज्ञे की शाप, राजेंद्र यादव की खेल खिलौने, ठाकुर प्रसाद सिंह की सर्पदंश, शिव प्रसाद सिंह की अंधकूप महत्वपूर्ण है। सांकेतिकता को आधार बनाकर ये कहानियां लिखी गई हैं, नोट डाउन कर लीजिए, कहीं परीक्षा में पूछ ले। नई कहानी की प्रतिष्ठा के साथ ही उसके विरोध के रूप में डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने समकालीन कहानी और अकहानी को व्याख्याकित करना शुरू कर दिया। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकहानी के प्रवर्तक कौन है, पूछा हुआ प्रश्न है भाई। अकहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल, ठीक है। सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस जाके वो कहानी इसलिए पूछ ली क्योंकि कहानी गद्य विधा के अंतर्गत आपने उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी प्रमुख है नई कहानियों में, इसलिए वह आपसे पूछ ली। तो आप उसको आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं कह सकते क्योंकि आपको गद्य विधा के अंतर्गत आपने कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस मैं उसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें ये नहीं पूछा था कि वापसी के रचनाकार कौन है। अगर वो ये पूछ रहा है वापसी के रचनाकार कौन है तो ठीक है, हिंदी गद्य विधा में से हम उसे मान लेते कि साहित्य में से प्रश्न उठ के आया है, लेकिन उसमें कथा वस्तु दी थी तो कथा वस्तु को दे के पूछा था कि यह कथा वस्तु किस कहानी की। कथा वस्तु को दे के आप तभी पूछ सकते हो जब आपने स्पेशल, और जब आपको कथा वस्तु पूछनी है तभी तो आपने हिंदी कहानी के अंतर्गत वो 15-20 कहानियाँ लगाई हैं कि ये आपको पढ़नी है, तो उन्हीं की कथा वस्तु हम पूरी पढ़ के जाएंगे। चलिए, ऐसा तो है नहीं कि हिंदी कहानी गद्य विधा के अंतर्गत जितनी भी कहानियां सबको हम पढ़ डालें, और जब वो सभी हमें पढ़नी थी तो फिर आपने सिलेबस में स्पष्ट उल्लेख किया ही क्यों उन कहानियों का। खैर आगे बढ़ते हैं, बीत गई सो बात गई। आगे आगे इस तरीके के पेपर में कभी आगे होता आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा जाता तो उसको हम चैलेंज अवश्य करेंगे। साठोत्तरी कहानी में डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल के अतिरिक्त जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, श्रीकांत वर्मा, विनय मोहन सिंह, विश्वेश्वर आदि प्रमुख हैं। 1964 में आधार पत्रिका में श्री महीप सिंह ने कहानी में सचेतन कहानी को स्पष्ट करते हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं कौन है, महीप सिंह। कौन सी पत्रिका में? 1964 में आधार पत्रिका में। ये बहुत पुरानी बात नहीं है डियर, बहुत नई बात है, याद रखिएगा। दो अकहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल और सचेतन कहानी के प्रतिपादक हैं महीप सिंह। कि जीवन के प्रति सचेतन दृष्टि से हम जो चाहते हैं उसे वस्तु के स्तर पर नहीं वरन सक्रियता के साथ भोगना और जीना ही महत्वपूर्ण है। आज के मनुष्य की नियति को इन रचनाकारों ने कहानी के माध्यम से व्यक्त करना चाहा। 1938 में अमृत लायन ने सहज कहानी का स्वर बुलंद किया। अमृत लायन ने क्या सी चलाई एक वाद, सहज कहानी चलाया। 1972 के आसपास कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाया। पूछा जाएगा समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर जी, समानांतर के कमलेश्वर जी। महत्वपूर्ण इसलिए हो गए कि इनको पूछ लिया गया। अब अमृत राय ने सहज कहानी को पूछा नहीं है तो हो सकता है आपकी बार पूछ ले। समानांतर में अरविंद, आशीष सिन्हा, इब्राहिम शरीफ, कामता नाथ, जितेंद्र भाटिया, दामोदर सदन, निरुपमा सोबती, मधुकर सिंह, मृदुला गर्ग, राज अरोड़ा, शीला की कहानियां प्रकाशित हुई। हिंदी कहानी की परंपरा में प्रेमचंद की पूस की रात एवं कफन, यशपाल की पर्दा, रांगे राघव की गदल, भैरा प्रसाद गुप्त की हड़ताल, भीष्म सानी की चीफ की दावत, अमरकांत की दोपहर का भोजन के क्रम में रमेश उपाध्याय, रमेश बत्रा, नामिता सिंह, असगर वजाहत, राजेश जोशी, धीरेन्द्र अस्थाना, उदय प्रकाश आदि लेखकों ने स्वयं को रखा और जनवादी कहानी को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। यशपाल की पर्दा भी बहुत अच्छी कहानी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। कहानी लेखन में आज तीन पीढ़ियों के रचनाकार एक साथ सक्रिय हैं। डॉक्टर पुष्पाल सिंह ने समकालीन हिंदी कहानी में 362 कहानीकारों की सूची दी है। इस समय हिंदी कहानी में महिला कहानीकार के रूप में मालती जोशी, दीप्ति खंडेलवाल, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा, चित्रा मुद्गल, राजी सेठ, मणिका मोहनी, प्रतिभा वर्मा, निरूपमा सोबती, सूर्यवाला, मेहरुनिसा परवेज, अचला नागर, ऋतु शुक्ल, सारा रॉयल, लवली, नासिरा शर्मा, अलका सारवगी,
सुनीता जैन, मधु कांकोरिया आदि ने अपनी पहचान बनाई है। तो ये महिला कहानीकार हैं, ये भी मुख्य हैं, याद रखना है समग्र रूप में। अब इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं कि आज की जो पूरी कक्षा में हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकलता, क्या सीखा हमने, क्या जाना कहानी के विषय में। तो आज की कक्षा में समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि आज कहानी प्रेमचंद युग से बहुत आगे निकली आई है। आज कहानी गांव, अंचल, कस्बे, महानगर सभी के जनजीवन के अंतस की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती जा रही है। अंतस यानी हमारा हृदय, हमारे हृदय में उठने वाले जो मनोभाव हैं उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती जा रही है। आज की कहानीकार जानता है कि औद्योगिकरण एवं भूमंडलीकरण के इस दौर में मानव संवेदना और मूल्यों को बचाने का संकल्प आसान नहीं। नवीनता की झोंक में किसी भी ओर विवेकहीन झुकाव अपनी अस्मिता को लुप्त करने जैसा है। अतः हिंदी कहानीकार अपने अनुभव की थाती से भारतीय जनमानस को बदले हुए यथार्थ में मानवीय संवेदना और मानव मूल्यों से जोड़ने की प्रेरणा से लिखने के लिए निरंतर सचेष्ट है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे कहानीकार हमारे नैतिक मूल्यों की ओर ध्यान दे रहे हैं। और ये हो गई हमारी आज की कक्षा कहानी से संबंधित जो हमारी कक्षा है, और एक पूरी गद्य विधा हमने इस पर थोड़े से छोटे से वीडियो में देख ली। आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा पहले किस प्रकार की थी, और अब एक आपसे क्योंकि एक परिवार वाला मेरा संबंध हो जाता है आप लोगों से जुड़ते, आप लोगों के कमेंट आते हैं जो भी है, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आधुनिकता गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हम भारतीय हैं, हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक परंपरा है, वैल्यूज़ हैं, हमारे नैतिक मूल्य, उन सबको छोड़कर अमेरिका के मूल्यों को यदि हम अपनाने की कोशिश करें तो गलत है। अमेरिका के जो जीवन शैली है ना, उस वहाँ का जो पहनावा है, रहन सहन है, खान पीन है, वो उस देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार है और हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तो हमें होड़ नहीं करनी चाहिए। और इस होड़ को करने के चक्कर में महिलाएं जो वर्तमान में जो एकदम से चेंज आया विचारों में, खुद को एक दूसरे से आगे करने के चक्कर में हमने अपनी शांति को, प्रेम को खोया है, मानसिक अवसाद के शिकार हो गए हैं। हम भारतीय से लोग विश्व गुरु मान के यहाँ बहुत कुछ सीखने आते थे, आज स्थिति ये है कि हम लोग चारों तरफ से अवसाद से घिरे हुए, युवा वर्ग बहुत अवसाद से घिरा हुआ है, नौकरी ना मिलना, बहुत सारी चीज़ों से आप लोग घिरे हुए हो, हम भी घिरे हुए हैं। कारण होड़ एक तरीके का अंधानुकरण, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, अपने अस्तित्व को आप ये मत देखिए कि सामने वाले पे कितना पैसा है। यदि सामने वाले ने 2-3 हज़ार की ड्रेस पहन के एक जो छोटा सा परेशान होने का कारण है फेसबुक पे फोटो डाल दिया, तो हमें लगता है यार कल हमें इससे अच्छा फोटो डालना है। ये सब दिखावे के चक्कर में फंस जाते हो। अगर भाई हम अपना 250-300 रुपए का सूट पहन के भी सुख से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत है 2-3 हज़ार रुपये खर्च करने की एक कपड़े पर, एक फ़ोटो के लिए। तो इस दिखावे के चक्कर में भी दुखी हो रहे हैं, टेंशन हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यार ये दिखावे की चीज़ें कहाँ से आएँ, और उन चीज़ों को अर्जित करने के लिए गलत रास्तों पर चले ही जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा न करें, आप लोग समझें, हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, हर कहानी, बुक, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी, जिनसे हम अपने जीवन को सुंदर और सरल बना सकते हैं, ठीक है। संकल्प लीजिए कि ये वाली नेट परीक्षा हम अवश्य ही पास करेंगे, नहीं नहीं न केवल नेट बल्कि इस जब भी पेपर होगा हम GRF भी क्लियर करेंगे और इसका फेलोशिप भी लेंगे, ठीक। एक दूसरा प्रण कीजिए, कोरोना वायरस का समय है, आप लोग बिल्कुल अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर पे बैठेंगे और एक बेहतरीन बुक आप पढ़ेंगे इस समय में, ठीक है। परीक्षा आगे खिसक गई, फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, ये सब टेंशन आपको नहीं लेनी, आपको बस निरंतर रूप से मुझसे जुड़े रहना है, पढ़ाई करते रहना और अपने कमेंट करते रहिए, प्लीज़ कमेंट करिए। ज़रूरी नहीं है इस टॉपिक से संबंधित आप कमेंट करें, आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे आप अपनी बड़ी बहन से बात करते हैं उस तरीके से आप गोदान वाले उस पर, ये क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड आप इस पर कमेंट करें, लेकिन इसके अलावा भी तो गोदान वाला भी मेरा चलता है चैनल पर, मैं डालती हूँ प्रतिदिन आपके लिए, तो उस पर आप कमेंट करिए। कोरोना वायरस से संबंधित जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, जो बात अपनी बड़ी सिस्टर से करते हैं, वो मुझसे भी कर सकते हैं कमेंट पे, ठीक है। चलिए तो नमस्कार, मिलते हैं कल। अपना कौन सा टॉपिक होगा कल, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आलोचना का, ठीक है। तो आलोचना क्या होती है इसको देखेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए, बाय बाय।